वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मुजफ्फर और मेरे साथ हैं मुजम्मिल। तो रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम वीडियो हमने बनाई थी, एक नेपाल की टिकटॉकर थी तो जिनका नाम है सिंपल करियल, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बड़ी अमेजिंग किस्म की थी। तो बड़ा मज़ा आया था लास्ट टाइम वीडियो देखकर। तो इनका जो टैलेंट है वो बड़ा अमेजिंग टाइप का है, तो अमेजिंग किस्म का, एक यूनिक किस्म का इनका टैलेंट है और बड़े खूबसूरत और ब्यूटीफुल टाइप की ये एक टिकटॉकर हैं। तो मुझे, मेरे ख्याल में तो टिकटॉकर ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो अगर किसी के पास इनकी इन्फॉर्मेशन हो, जो लोग नेपाल से देख रहे हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इनका प्रोफेशनल क्या है और ये प्रोफेशनल तौर पर क्या करती हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वंस अगेन इसके ऊपर रिएक्शन किया जाए, इसकी कुछ और वीडियोस के ऊपर। तो हम फाइनल तौर पर आज रिएक्शन वीडियोस लेके आए हैं सिंपल करियल के ऊपर। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं नहीं आती, ताकि नेक्स्ट टाइम जो रिएक्शन करें तो इसके मुताबिक किया जाए। तो चलें स्टार्ट करें। ओए हो, जबरदस्त। से ढूंढती हूँ मैं हर कहीं, वो मिला मुझे नहीं है कहीं। मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़का है कहाँ, जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हूँ जो ये कह। सुपर, इनका देख के जो काम है, काम बड़ा अमेजिंग किस्म का इनका। लुक तो इनकी माशाल्लाह काफी। में हर दुआ कबूल होती है मुर्शद, अगर इजाजत हो तो दुआ में तुझे मांग लूं। एक बात बताओ, तू इतनी अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देता है फिर भी सिंगल है? कोच को कभी खेलते हुए देखा है? तो मैंने जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए, हमेशा सिर्फ क्यों धोखे खाए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जिंदगी में सिर्फ तो बस खाए। फिर चाहे वो आम हो या सेब हो या अंगूर हो, सिर्फ धोखे खाए। देखने का भी दिल नहीं करता तो रहन दो फिर। मैं प्यार करूं तो कैसे करूं, मेरा तो बाबू सुन के ही हंसी निकल जाती है। बाबू या बेबी इस्तेमाल कर लो, जरूर बाबू कहना, और भी वर्ड यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। रोजेज आर रेड, वॉलेट्स आर ब्लू। रोजेज आर रेड, वॉलेट्स आर ब्लू। तुम्हारी शक्ल थू बुरा लगो। पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए पेरेंट्स से लड़ रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच माई मोबाइल। पहले लाइक करो, फॉलो करो, अगली वीडियो में पक्का शेयर करूंगा। वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे, हम तो वो है जो तेरी सांस रुके तो अपनी सांस भी छोड़ देंगे। मैं तनु सब जो दैट रेड्स वायलेट्स आर ब्लू डियर एक्स, वापस आ तू। खुशी होती होला यार, गुवारा जय मदर एक को चोटी मा लोड़ा दिन बने सा। You make me feel so.
जिंदगी एक सफर है सुहाना। और आप दिल से निकले नहीं निकाले गए हो तो यहाँ मुंह उठा के दोबारा मत आना। हे 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 आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्यार करते हो मुझसे? हाँ करती हूँ। जानते हो कि हम फ्यूचर में साथ नहीं रह पाएंगे, कभी शादी नहीं कर पाएंगे? हाँ जानती हूँ। फिर भी करते हो? हाँ करती हूँ। क्यों करते हो इतना प्यार? ये सिंगिंग क्यों करती है मेरे ख्याल से डर किस बात का है कि पहले जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा ही मैंने भी किया। तो मेरा हाथ पकड़ो, आंखें बंद करो, खुद ही समझ जाओगी क्या सच है क्या झूठ। तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है मुझे, बस एक्सेप्ट नहीं करती। डायलॉग्स बात पूछनी है तुमसे, इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, रोकें खुद को या होने दिया जाए। इससे टच भी किया ना तो तेरी नाक फोड़ डालेगी बेबी। देख अपन से शादी मना ले समझा ना, तेरे सारे गंदे गंदे कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, सफाई करेगी, तेरी अखी लाइफ सेट कर डालेगी। भाव कै को खाता है ये, आप उनको ऐसी मजबूत घर वाली हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है। और मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब, मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब, मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया है। एक सच्ची दोस्ती को बरकरार रखने के लिए जरूरी नहीं कि वो हर रोज बात करे या साथ रहे। जब तक रिश्ता दिल में होता है सच्चे दोस्त कभी अलग नहीं होते। अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर मेंशन करना। हेलो, थोड़ा अपना ख्याल रखा करिए। माना आप बहुत जिद्दी हैं और ये जिंदगी आपकी है, मगर आप जान तो हमारी हैं। किमरा इधर लाए पट्टे छु लोक ने बनाऊ छु, किमरा इधर लाए पट्टे छु लोक ने बनाऊ छु, मेरे छोरा भतीज भनी बोक ने बनाऊ छु, मेरे छोरा भतीज भनी बोक ने बनाऊ छु, मेरो माय लाई घात करी जाने ती मिलाई, मेरो माय लाई घात करी जाने ती मिलाई, भौजू भनी मेरे खुट्टा ढुकने। जलेगा हमसे हम और जलाएंगे ये जमाना, जलेगा हमसे हम और जलाएंगे, हमारे तो पहले भी दुश्मन थे, चलो हम थोड़े और बनाएंगे। फाइनली मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, नाउ यू आर फ्री। यार खुश रहे अपनी लाइफ में, बिजी रहे, अब ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। एंड हाँ थैंक यू इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। जनता का बहुत सारा प्यार है अपने पास, लेकिन हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मुझे अपने दिल में ही रहने दो मुर्शिद, बाहर बहुत सर्दी है। तबीयत आज फिर खराब है मेरी मुर्शिद, लगता है किसी ने मुझे मत मिलाओ किसी और में, मुझसे कोई नहीं है इस दौर में। हर किसी के ग्रुप में ये छह लोग जरूर होते हैं। पहला गाली देने वाला, दूसरा जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, तीसरा एक नंबर का लाइन मारने वाला, चौथा जिसकी शक्ल बंदर जैसी होती है, पांचवा जिसके सब मजे लेते हैं, और छठवा जिसका ब्रेकअप। सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। जो दुनिया है ना ये बहुत ज्ञान देती है, तो तुम
साथ देना। क्या बात, जो तू क्यों मैं तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। निकल मेरी जिंदगी से, तेरी जैसी बहुत आई, तेरी जैसी बहुत गई मेरी जिंदगी से, सारे पेच ढीले कर दिए मेरी खोपड़ी के, मेरा मुंह मत खुलवा वरना गाली दूंगा। ओ माय गॉड, सिंपल क्रिल्ला, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर किस्म का टैलेंट है, अमेजिंग किस्म का टैलेंट है। तो इनकी जो यूनिक बात है, ये जो लाइटिंग्स का इस्तेमाल करती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, ज़बरदस्त, एक अमेजिंग लेवल का टैलेंट है, कमाल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाती हैं, इनकी वीडियोस देख के मज़ा आ जाता है। तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी वीडियोस को हम इंजॉय करते हैं, तो ये उनके अंदर से एक कलाकार है जिसका बड़ा अमेजिंग लेवल का टैलेंट है, जिसको हम देख के बड़ा इंजॉय करते हैं। और आज तो इनकी पोइट्री थी, पोइट्री इतनी ज़बरदस्त किस्म की थी, बड़ी गहराई वाले शेर इन्होंने कहे थे, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेर थे। आई लाइक पोइट्री, और एक पोइट्रेस मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, मुजम्मल भाई, बड़ी पोइट्री करते हैं, तो जिनका दिल टूटा होता है वो पोइट्री करते ही हैं। तो बेसिकली जो मुजम्मल भाई भी काफ़ी अच्छी पोइट्री कर लेते हैं, तो इनकी पोइट्री देख के बड़ा मज़ा आया। और एक वो मुर्शद बड़ी जान खा रहा था कि वो जो पोइट्री के अंदर जो मुर्शद आ जाता है ना, वो मुझे समझ नहीं आई कि ये मुर्शद कहाँ से बीच में आ जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ था कि डांसिंग्स वीडियो, उसके अलावा बीच में कुछ पोइट्री की वीडियो और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो थी। अमेजिंग लेवल का कम्बिनेशन बना हुआ था जिसमें मिक्सअप, मतलब कि कोई एक ही चीज़ देख के बोर ना हो, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एडिट किया हुआ था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये बड़ी एक क्यूट किस्म की और यूनिक किस्म की एक यानी कि रोल मॉडल हैं जो बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो इनसे पहले हमने एक और थी नेपाल की टिकटॉकर, उसके ऊपर भी रिएक्शन किया था, सिमरन पेंटा मेरे ख्याल से उनका नाम था, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग लेवल की लगी थी, उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो जो देखना चाहता है वो देख सकता है, चैनल में वीडियो मौजूद है। तो इसकी जो है ना, ये मुझे काफ़ी ख़ास लगी हैं, यानी कि इनके अंदर ना कोई यूनिक लेवल का कोई टैलेंट है बीच में, जो बाकी टिकटॉकर से इसको एक अलग टिकटॉकर बनाता है, जो बाकी चीज़ों के अंदर नज़र नहीं आता। तो ज़बरदस्त किस्म का एक अच्छा टैलेंट है। तो बाकी मुजम्मल भाई से पूछते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। वीडियोस काफ़ी अच्छी थी, तो उनकी लुक जो वो काफ़ी प्यारी थी और ब्यूटीफुल किस्म की हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लुक है, अमेजिंग किस्म का इंप्रेशंस, बड़े अमेजिंग किस्म के हेयर स्टाइल जो था वही बड़ा कमाल का था। तो पोइट्री कर रही थी, एटीट्यूड वाली पोइट्री कर रही थी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये तो हर एक अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन बहुत अमेजिंग किस्म की और बड़ी क्यूट किस्म की जो ये टिकटॉकर थी, बड़ा मजा आया वीडियो देख के। डांस भी काफी अच्छा कर लेते, डांसिंग का भी हमें देखने में मिला है, डांस की हमें एक दो वीडियोस मिली हैं, तो अमेजिंग लेवल का उनका डांस। सिंगिंग भी कर रही थी शायद, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे मेरे ख्याल से वो सिंगर भी हैं तो सिंगिंग करती होंगी। तो बाकी यही है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।